आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है बिकॉज रेगुलर उत्पम से एकदम अलग हटके स्पाइस्टर स्टाइल आलू उत्पम कैसे बनता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर उससे पहले सब्सक्राइब कर चैनल को सपोर्ट करना ना भूले। सबसे पहले हम आलू मिक्सचर रेडी करेंगे थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में। उसके लिए हम पैन में ऑयल ऐड करेंगे। हल्का गर्म होने पर मस्टर्ड सीड, करी लीव्स, हरी मिर्ची, जिंजर, गार्लिक एंड चॉप्ड कश्मीरी रेड चिली ऐड करके स्टर करेंगे। हल्का गोल्डन हो जाने पर इसमें इक्वल अमाउंट में बारीक कटी हुई बीन्स, कैरेट एंड अनियन ऐड करेंगे। थोड़ा कुक हो जाने पर इसमें सांबर मसाला, हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड नमक ऐड करके लो फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें बॉइल्ड एंड पहले से मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। अब धीरे धीरे करके हर चीज अच्छे से मिक्स करनी है। जब मसाला एंड आलू साथ में एकदम मिल जाए तब गैस ऑफ करके इसको बोल में ट्रांसफर कर लीजिए एंड ठंडा होने का वेट करिए। मैंने मार्केट वाला प्री मेड इडली डोसा बैटर लिया है एंड इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने दिया है, एज बैटर अच्छे से फर्मेंट होके नहीं आता है। इसमें बस सॉल्ट और ऐड करना है। अब आलू के कटलेट पीसेस रेडी करेंगे। इसके लिए पहले एक प्लेट में सफेद तिल स्प्रेड करेंगे। अब आलू मिक्सचर से कटलेट रेडी करेंगे। फिर एक साइड तिल से अच्छे से कोट कर लेंगे एंड साइड रख लेंगे। अब इसके साथ अब उत्पम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सीजन डोसा तवा जो ऑलरेडी वार्म है उस पर बैटर ऐड करेंगे। फिर उसके ऊपर केयरफुली आलू कटलेट प्लेस कर देंगे। अब स्पैचुला की हेल्प से दोनों को साथ में इवनली प्रेस करके स्प्रेड होने देंगे। अब ऊपर से थोड़ा ऑयल ड्रिजल करेंगे। कवर करके 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। फिर उत्पम को फ्लिप करके दूसरे साइड से कुक करेंगे फॉर अ मिनट। अब केयरफुली इसको सीधा करके प्लेट कर लीजिए। टेस्ट एंड तरीका दोनों ही हटके है। डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई। इसको चटनी सांबर के साथ आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी इंजॉय करिए। एंड लाइक एंड कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।